speed of the train? What's the speed of the train? Good morning guys and welcome back to the channel. Yes, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, मैं इस लाइफ में पहली बार बुलेट ट्रेन ट्राई करने वाला हूँ और वो भी चाइना के अंदर. अभी हूँ मैं शियान नॉर्थ रेलवे स्टेशन पर और मैंने टिकट बुक की थी हॉस्टल में. आपने लास्ट वीडियो में लू को देखा होगा, तो लू ने मेरी हेल्प की थी टिकट बुक करने में. जो लू की रेलवे आईडी थी उससे टिकट बुक कर दी थी और फिर मैंने लू को कैश दे दिया था. बाकी आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन जो चाइनीज़ रेलवेज की वेबसाइट है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और सब कुछ चाइनीज़ में है, इंग्लिश का कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. तो इसीलिए अगर आप चाइना के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो मोस्टली यार आप हॉस्टल में रुकोगे तो हॉस्टल में आपको कोई ना कोई चाइनीज़ मिल ही जाएगा और उन लोगों से फिर आप हेल्प ले सकते हो टिकट बुक करने के लिए. नहीं तो फिर आप trip.com पर भी बुक कर सकते हो, लेकिन trip.com पर आपको 21 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी 200 या 250 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. अभी मैं काउंटर पे खड़ा हूँ, यहाँ पर मुझे इस टिकट को दिखाना है और अपना पासपोर्ट, और उसके बाद मुझे जो टिकट की हार्ड कॉपी है वो यहाँ पर मिल जाएगी. थैंक यू. तो मुझे मेरी टिकट मिल चुकी है, अभी मुझे सिक्योरिटी पास करना है. A few moments later. भाई इन्होंने रेलवे स्टेशन को एकदम एयरपोर्ट जैसे बना रखे हैं. ये भाई रेलवे स्टेशन है और मुझे जो अपने एयरपोर्ट है उनसे भी अच्छा लग रहा है. यार बहुत तगड़ा डेवलपमेंट किया है चाइना ने, बहुत तगड़ा. और मेनली यहाँ पर आपको दो टाइप की ट्रेन मिलेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब लास्ट टाइम मैंने ट्रेन ली थी, कि एक ट्रेन है स्लो ट्रेन जो मेनली ओवरनाइट ट्रेन हैं और बाकी हैं बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन. जैसे अपने एयरपोर्ट पर अलग अलग काउंटर नहीं होते हैं चेक इन करने के लिए, वैसे यहाँ पर अलग अलग ट्रेन के लिए अलग अलग काउंटर बना रखे हैं. थैंक यू. भाई भाई कहर, बुलेट ट्रेन ऑफ चाइना. Hello. Central EA. Hey, thank you. ये सीट है भाई मेरी. हाँ, आप लोगों को मैं ये बताना भूल गया था कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ जंगजो, और जंगजो से फिर जाऊँगा मैं शाओलिन टेम्पल. यस, वही शाओलिन मोनेस्ट्री जो हमने मूवीज़ में सुनी थी, और जिस शाओलिन मोनेस्ट्री की फाउंडेशन एक इंडियन ने रखी थी आज से लगभग 2000 साल पहले. एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन जो शाओलिन मोंग थे जिन्होंने शाओलिन मोनेस्ट्री को स्टार्ट किया था वो इंडिया से थे, और आज मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ. पहले मैं जाऊँगा जंगजो, और जंगजो से फिर बस पकड़ के शाओलिन मोनेस्ट्री. शायद चलने वाली है ट्रेन. हेलो. भाई कहर स्पीड है कहर. व्हाट्स द स्पीड ऑफ द ट्रेन? स्पीड
You can then it will come like there. It will come. It will show there. Yeah. उधर से जा रही है नॉर्मल ट्रेन और अभी हम हैं फास्ट ट्रेन के ट्रैक पर. बाकी मुझे को पैसेंजर मिल गए हैं जिनको अंग्रेजी आती है. टॉकिंग अबाउट यू गाइस आल्सो ऑन द वीडियो फॉर अ वीडियो दैट ओके से हेलो माय चाइनीज नेम बोथ बोथ ऑफ माय चाइनीज इज जी हाइडी जी हाइडी यस एंड माय इंग्लिश नेम इज हाइडी हाइडी यस जी हाइडी एंड योर हस्बैंड नेम तंग यसा तंग यसा And you both are from which city? From Chongqing. Chongqing. Yeah. It's near to? Can you show me on the map? Oh, your city. Oh, you have. Maybe you don't have been to it. It's a mountain city. Very. Last year. Oh, Chongqing. Yeah, Chongqing. Chongqing. Oh, I'm going there after. Oh, you have there. Oh. I'm going there. You will go there. Yeah, first I go to like Shaolin Temple. Shaolin Temple, yes. Yeah, yes. And from there I will go Chongqing, and from Chongqing to Chengdu, and from Chengdu I'm going back to India. Oh, back to India, yeah. My flight is from Chengdu. Oh, your friend. My flight. Oh, flight. Oh. Yeah, my flight is from Chengdu. Your flight is from Chengdu to India. Yeah, yeah, from Chengdu to India. So you just from Mongolia and Chengdu. I started from Moscow. I spent 40 days in Mongolia, and 1 month in China. 1 month. Yeah. I see quite a place you have not been there, like Shanghai. No, no. I will go next time. Next time. Yeah, next time I will come for 2 months. Okay. And where did you learn English? I think you need a good plan. Yeah. Where did you learn English? When I actually we learned from primary sources because I'm a teacher. I'm a college teacher. Oh. I'm a college teacher, I learned electric, but I'm an engineer. You're an engineer? Yes. My major is electrical engineering. And your husband's? This is awful. Huh? He doesn't know much English. No, no, he's also a teacher? Yes, he's a teacher. Oh, both of you are teachers. Okay. Yeah, we are teachers. But then, you know, girl is much yeah, better. The day, yeah, 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 but better in language. The girl learned very fast, but the boy. Oh, I love this. It's pretty funny. Oh, 303 kilometers per hour. Yes. Wow. You can just take a picture over there. भाई ट्रेन की अभी स्पीड है 304 किलोमीटर पर आवर. लाइफ में मैक्सिमम मैं बैठा था 190 किलोमीटर पर आवर, वो भी रशिया के रोड्स पर. लेकिन यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है अभी है 304 किलोमीटर पर आवर. सो मेरी लाइफ की अब तक की सबसे तेज ट्रेन. सो यू गोइंग टू क्लाइंब द माउंटेन? एंड हाउ मच इज द टिकट फ्रॉम शियान टू हियर? How much? Yeah. 54 yuan. Ah. And the name of the mountains? Huashi? Huashan. Oh, Huashan Mountains. Yeah, Huashan Mountains. It's very famous. Yeah, it's really famous here. Yeah. Yeah. Bye-bye. 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 Next time, YouTube. Yeah, yeah. See you. Bye. अगला स्टेशन आ गया है और यहीं पर हेती और हेती के जो हस्बैंड हैं वो उतरने वाले हैं. वो जा रहे हैं Huashan Mountains. शियान से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर पड़ते हैं Huashan Mountains और काफ़ी लोग वहाँ पर ट्रैकिंग करने जाते हैं. वॉशरूम भी साफ है भाई.
और लाइफ में पहली बार 300 किलोमीटर की स्पीड पर चलते हुए मूत्र विसर्जन हुआ है। और इन्होंने भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते निकाले हुए हैं। इस ट्रेन में भी बहुत ज्यादा टनल्स आ रही है। Zhangzhou? Yes? Zhangzhou. Zhangzhou. Zhangzhou Dong. Thank you. पहुंच गए हैं भाई। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटों में। 3:30 बजे ट्रेन चली थी और 5:30 बजे हम Zhangzhou पहुंच गए हैं। ट्रेन का नंबर है G1876 और मैं पहुंच गया हूं Zhangzhou। और अब यहाँ से मुझे बस देखनी है शाओलिन टेंपल के लिए। शाम के 6:45 हो रखे हैं, शायद बस मुझे मिल जाएगी। शाओलिन टेंपल तो कल सुबह जाऊंगा, आज मैं जाऊंगा शाओलिन टेंपल के पास में जो एक छोटा सा कस्बा या एक छोटा सा शहर पड़ता है वहाँ पर। और हाँ ठीक है, बस इधर से मिलेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस बस 500 किलोमीटर 2 घंटे और 2390 रुपये। क्या बोलते हो कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। और अगर आप यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखोगे तो उसके हिसाब से तो भाई कहर है एकदम। और हर जगह इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। यूँ मान लीजिए चाइना के हर बड़ी सिटी में, जैसे अपने दिल्ली के लिए नोएडा और गुड़गांव बनाए गए हैं ना, वैसे चाइना में हर सिटी के लिए पता नहीं कितने गुड़गांव और नोएडा क्रिएट हो रहे हैं। और उन सिटीज़ के डिज़ाइन के अंदर आपको हर शहर में कम से कम 3 या 4 रिंग रोड मिलेंगे। बीजिंग में 6 रिंग रोड हैं और Xi'an के अंदर 4 रिंग रोड थे। अभी जिस सिटी में हूँ मैं Zhangzhou, यहाँ पर टोटल 3 रिंग रोड हैं। और लगभग हर सिटीज़ के अंदर इन्होंने रिंग रोड बना रखे हैं ताकि आगे जाके जो ट्रैफिक जैम वैम की दिक्कत है वो ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़े। इन्होंने यार सच में बहुत आगे की सोच रखी है। अब मैं एक बार बायदू ऐप खोल लेता हूँ और फिर यहाँ से चेक करता हूँ कि शाओलिन टेंपल के लिए कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी। नी हाओ, खमनू शेशे, नी हाओ, फुरुदा 1, 2, 3, 4, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। बस नंबर मिल गया है मुझे बायदू ऐप से। अभी यहाँ से मुझे 501 बस पकड़नी है, 501 के बाद मुझे 2 नंबर बस पकड़नी है, 2 नंबर बस के बाद कितनी बस पकड़नी है भाई। नहीं नहीं गलत हो गया, हाँ ये 501। नहीं हाँ ये सब रेलवे स्टेशन के नीचे का सीन है। बस से उतर गया हूँ
पहले लेने वाला था दूसरी बस, लेकिन मैंने थोड़ा और ढंग से देखा तो मेट्रो का रूट मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है मेट्रो विल बी फास्टर देन बस। Hours later. पहुंच गया हूँ जंगचो के रेलवे स्टेशन पर। हाँ जी, तो भाई मैंने टिकट बुक करवा ली है, और टिकट कहाँ के लिए बुक करवाई है मैंने? जंगजो से जिनजियान। आपने जो अवतार वाले पहाड़ देखे होंगे या फिर आपने उनके बारे में सुना होगा कि चाइना के अंदर भी कुछ ऐसे माउंटेन्स पाए जाते हैं। हाँ जी, तो कल रात को मैं वहाँ के लिए ट्रेन लेने वाला हूँ, और कल सुबह मैं जा रहा हूँ जो शाओलिन टेम्पल है वहाँ पर। लेकिन उसके लिए मुझे सुबह सुबह यहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो खाने का जुगाड़, खाने के जुगाड़ के बाद लोकल ढूंढना है, और फिर देखना है कि सुबह जो बस जाती है वो कहाँ से जाती हैं। और यहाँ के ट्रेन स्टेशन पर आप बिना ट्रेन टिकट के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते, और हद से ज़्यादा सिक्योरिटी है। अरे नूडल्स, शूडो। क्या मांगा था और क्या दे दिया है? मैंने मांगा था टोमेटो सूप, और इनको चावल भी बोले थे, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या इनके ढंग से। देखते मैं कैसा लगता है। हेलो, नी हाओ। इनको मैंने उसके लिए बोला था, और उन्होंने पता नहीं शायद ये पकड़ा दिया, पता नहीं क्या पकड़ाया है इन्होंने, लेकिन जो भी था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बाय बाय। Midnight. और ये है अपना मैकडोनल्ड। बहुत से बंदे सो रखे हैं यहाँ पर। मैं अभी बस एक आइसक्रीम खाऊंगा और फिर सोऊंगा। पिछले 5 घंटों से मैकडी में सो रहा था, लेकिन अभी मैकडी वालों ने बाहर निकाल दिया, बोलते कि नहीं सर अभी हम सफाई करेंगे, आप बाहर जाके सो। अब बाहर आ गया हूँ, लगभग 5:30 हो गए हैं सुबह के, और 7 या 8 बजे के आसपास मोनेस्ट्री के लिए निकल जाऊँगा। तब तक के लिए जगह ढूंढनी है, बस देखता हूँ कहीं ना कहीं तो मिलेगी यार।